जालना में हुए मराठा समाज पर लाठीचार्ज से सियासी परिपेक्ष में उफान आ चुका है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस घटना को अमानवीय बताते हुए तीव्र विरोध व्यक्त किया है। जहां उन्होंने कहा है कि इस अमानवीय घटना के कारण महाराष्ट्र पूरे रूप से जल रहा है और जहां भाजपा की सरकार है वहां आग लगाने का काम तानाशाह सरकार ने किया है। ये सरकार ने जानबूझकर किया है। कल इंडिया अलायंस का एक मीटिंग मुंबई में हुआ, दो दिन का, उसका मैसेज पूरे देश में जा रहा था। तिलक भवन जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का जो शक्ति स्थल है, वहाँ पर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी आए और उनसे भी एक बड़ा मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जा रहा था। वो डर के वजह से जो उपोषण मराठा आरक्षण के न्यायिक अधिकार का जो किया जा रहा था जालना में, वहाँ पर लाठीचार्ज करने का आदेश सरकार ने दिया। खुद राज्य के गृह मंत्री ने बताया कि हमने सोम में लाठीचार्ज करने को बोला था, ये ज़्यादा लाठीचार्ज हो गया। इसका मतलब है कि सरकार इंडिया अलायंस का और राहुल गांधी जी का मैसेज पूरे देश में ना जाए और वो उस मैसेज को डाइवर्ट करने के लिए ये खेल बीजेपी ने किया। लेकिन पुलिस का लाठीचार्ज इतना भयानक था, छोटे बच्चों को भी पे भी जानलेवा लाठीचार्ज हुआ है। कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ पर घायल हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में इस घटना की तीव्रता बहुत ही खतरनाक है। औरंगाबाद में तो बसें जलाई गई और कई जगह में घटनाएं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पूरा जल रहा है और बीजेपी की जो मानसिकता है, आपने मणिपुर का उदाहरण है, हरियाणा का उदाहरण है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह के राज्यों को जलाने का पाप केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। और महाराष्ट्र में भी वो स्थिति हो रही है, लेकिन शाह फुले अम्बेडकर के विचारधारा के महाराष्ट्र में ये पाप बीजेपी ना करे, ये सलाह हमारा उनको है। और ये जो घटना हुई है उस घटना का हम निषेध करते हैं। और झूठ बोलने वाले जुमलेबाज, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने कहा था कि मैं मराठा समाज को आरक्षण दूंगा, मेरे को सरकार दो 24 घंटे में आरक्षण दूंगा। धनगर समाज को कहा कि मैं आरक्षण तुमको दूंगा 24 घंटे में दूंगा। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है, अभी तक आरक्षण मिला नहीं और उनके ऊपर उन्हीं के वोटों से सरकार बनाई केंद्र और राज्यों की, और उन्हीं को मारने का पाप ये लोग कर रहे हैं। इस घटना का हम निषेध करते हैं।